देखिए, डूबते जहाज पे कौन रुकना चाहेगा? कांग्रेस एक डूबता जहाज है, और फिर जिसके कैप्टन राहुल गांधी हों, उस जहाज में कोई नहीं रुक पाएगा। छलांग लगा लगा के लोग भाग रहे हैं, और भी जाएंगे, चुनाव के बीच में भी बहुत लोग जाएंगे। जितने बड़े सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, उनका सबका दम घुट रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनका अपमान हो रहा है। राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं, वो उनका अपमान करते हैं। करुणाकरन की बेटी, सुरेश पचौरी, अशोक चव्हाण, ये सब बहुत बड़े नेता हैं। गुलाम नबी आजाद, ये सब बहुत बड़े नेता हैं। इनकी रगों में कांग्रेस का लहू दौड़ता था। लेकिन ये सब क्यों गए? क्योंकि राहुल गांधी जी के जो नौकर हैं, वो इनकी बेइज्जती करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बड़े बड़े नेताओं की पार्टी थी, लेकिन अब कांग्रेस को नौकर चला रहे हैं, और वो नौकर बड़े बड़े नेताओं की बेइज्जती करते हैं, तौहीन करते हैं, अपमान करते हैं। कभी आप पूछिएगा कमलनाथ जी से, अकेले में पूछिएगा, दिग्विजय सिंह जी से पूछिएगा, आनंद शर्मा जी से पूछिएगा, गुलाम नबी आजाद साहब से पूछेगा, कपिल सिब्बल से पूछेगा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, सुरेश पचौरी जी से पूछेगा। मेरी बात पर यकीन मत करिएगा, पूछिए इन नेताओं से। ये सब वो नेता हैं जो इंदिरा गांधी जी के साथ रहे, राजीव गांधी जी के साथ रहे, सोनिया जी के साथ रहे। उनकी कितनी तौहीन होती है, इनका बड़ा दिल दुखी है। तो ये सब एक एक करके जा रहे हैं, और भी जाएंगे। आपको पार्टी से निकाल दिया गया, सुरेश पचौरी साहब कल बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस छोड़कर, तो इस तरह के ऐसा क्या वजह है, क्या मानते हैं जो कांग्रेस को इंटरनेशनल पार्टी है और लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? कांग्रेस की बर्बादी के लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, जिनका नाम राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में है, तब तक इस कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। प्रियंका गांधी जी भी अभी चुनाव का क्लियर नहीं हो पाया कि कहां से चुनाव लड़ेंगी। वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही हैं पार्टी के भीतर, उनका भी सम्मान नहीं है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। ये दुर्भाग्य है, जबकि कांग्रेस पार्टी की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी है। कल मायावती जी ने ऐलान किया है कि हमारी पार्टी किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। देश का मूड भांप लिया है उन्होंने। ये जो सारे चोरों ने मिला करके जो ठग बंधन बनाया है, ये एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। देश की जनता मोदी के साथ है, और तीसरी बार भी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, क्योंकि देश की जनता उनके साथ है। कमलनाथ जी आपके पुराने साथी भी रहे हैं, और सचिन पायलट साहब, और आप कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे? ये तो कमलनाथ जी बताएंगे, या नड्डा जी बताएंगे, या मोदी जी फैसला करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कमलनाथ जी की भी तौहीन बहुत हो रही है, उनको भी बेइज्जत किया जा रहा है। तो फैसला लेना उनके हाथ में है, वो अपना फैसला खुद करेंगे। बहुत सीनियर लीडर है मेरे, बहुत ही, मैं उनका सम्मान भी बहुत करता हूं। लेकिन जो दुर्गति हो रही है कमलनाथ जी की, मुझे लगता है उन्हें छोड़ देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पश्चिमी बंगाल गए थे, उनका कहना है कि अब तक हमने अवसर पैदा किए हैं, और लगातार जो लोगों ने जमीनें छीन ली थी, कारोबार छीन लिए थे, वो लगातार हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। यहाँ तक कि घोटाला बाजों को फायदा पहुंचाने के लिए 25 लाख रुपए की जॉब कार्ड बनाकर लोगों को दे दिए गए थे, लेकिन हम उसमें लगातार काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं इस सब को?
देखिए, अगर पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री मोदी ना होते तो वेस्ट बंगाल तो बांग्लादेश बन गया होता। लेकिन भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो टीएमसी के अत्याचारों से अब इतनी दुखी हो चुकी है कि 2024 में मुझे लगता है कि प्रचंड मतों से नरेंद्र मोदी का समर्थन होगा, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जीतेगी, भाजपा जीतेगी। राहुल गांधी जी अमेठी से इलेक्शन नहीं लड़ पाने की क्या वजह मानते हैं? उन्होंने वायनाड से अपना नाम घोषित किया है। हारने का डर है, अमेठी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। वहां की जनता ने स्मृति ईरानी जी को अपना लिया है, उनके सुख दुख में स्मृति ईरानी साथ खड़ी रहती है। राहुल गांधी पिछले 5 साल में 5 बार भी अमेठी नहीं गए। तो किसी भी नेता को जब ये पक्का पता होता है कि तुम वहां से हार जाओगे तो वहां से नहीं जाता। राहुल जी अगर अमेठी लड़ेंगे तो हार जाएंगे, ये उन्हें पता है, इसलिए वो वहां, मुझे नहीं लगता कि वहां से लड़ेंगे।